हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हम कंप्लीट लूसेंट ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और उसके बाद चैप्टर वाइज। सब्जेक्ट वाइज में क्या क्या हो चुका है पहले मैं वो बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग साथ साथ करते रहना। सब्जेक्ट वाइज में हो चुका है, मैं तो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट है, बायोलॉजी हमारा चल रहा है, बायोलॉजी हिस्ट्री और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी तीनों साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो आप कोई दो सब्जेक्ट उठाइए और साथ साथ करते रहिएगा। इसके अलावा राकेश यादव सर के बुक को भी आप कर सकते हो, अगर आप एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये आप कर सकते हो। क्लियर, इसमें सारे एग्जाम के आते हैं, लेकिन इसमें एसएससी रिलेटेड स्पेसिफिक जो होता है, एसएससी जो भी एग्जाम लेती है, सीपीओ वगैरह या दिल्ली पुलिस या और भी एग्जाम होते हैं जो एसएससी लेती है, कंडक्ट करवाती है, जो 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन इसमें हैं। सब के सब 2020 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जैसे है 2017 तक हम सब्जेक्ट वाइज, 18, 19, 20 को हम पेपर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सारा सब्जेक्ट वाइज है। क्लियर, तो आज हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डिस्कस करें। आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। सिंपल है, ग्रीन हाउस का सिंपल मतलब होगा, नॉर्मली आपको पता है सनलाइट जब आता है, ध्यान देना, सनलाइट जब आता है तो ये कौन सी वेव होती है, शॉर्ट वेव होती है। शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव जब आती है ना, तो शॉर्ट वेव के लिए जो एटमोसफेयर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट हो का मतलब है आने देता है, भाई नहीं रोकेंगे, आ जाओ। लेकिन जब आने के बाद धरती पे टकरा के रिफ्लेक्ट होता है तो ये कौन सा वेव हो जाता है, ये हो जाता है लॉन्ग वेव, लॉन्ग लॉन्ग वेव हो जाता है, लॉन्ग वेव। ठीक है, लेकिन लॉन्ग वेव जैसे ही एटमोसफेयर के पास जाता है तो एटमोसफेयर बोलता है भाई तुमको जाने नहीं देंगे, कुछ कुछ तुम चले जाओ लेकिन बाकी को हम टकरा के लौटा देंगे। तो इसके कारण समझ रहे हो, जो टेरिस्ट्रियल, देखो सोलर रेडिएशन से प्रॉब्लम नहीं है, सोलर रेडिएशन तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम हमें टेरिस्ट्रियल रेडिएशन से है। टेरिस्ट्रियल रेडिएशन जैसे ही जाता है तो एटमोसफेयर में सब परेशान नहीं करते हैं, एटमोसफेयर में वो गैस परेशान करते हैं जिसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, टेरिस्ट्रियल रेडिएशन जो जाती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके कारण इन्वायरमेंट को गर्म करके रखते हैं। देखो इन्वायरमेंट को गर्म करना तो सही है, लेकिन एक्सेस में गर्म करना ये गलत है ना। मतलब इन्वायरमेंट अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता ही नहीं तो हम इस अर्थ पे रह ही नहीं पाते। यानी ग्रीन हाउस गैस का इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन एक एक्सेस में हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे आ जाएगी ना। ठीक है ना, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तो ठीक है, इसीलिए CO2 का ज़्यादा इंक्रीज होना सही नहीं है। तो इसीलिए हम CO2 को कंजर्व करने के लिए प्लांट लगाते हैं और भी बहुत चीज़ लगाते हैं, ठीक है ना, जिससे CO2 की मात्रा कम हो, क्योंकि CO2 की मात्रा ज़्यादा हुई तो ग्रीन हाउस गैस CO2 मेजॉरिटी है। इसके अलावा और भी है लेकिन CO2 मेजॉरिटी है, जैसे CH4 और भी है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेजॉरिटी है। आप अगर आप परसेंटेज में भी देखो तो ग्रीन हाउस गैस में मेजॉरिटी में कार्बन डाइऑक्साइड ही आता है। वो अलग बात है कि और गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब आता है पहले ऑर्गन, लेकिन ग्रीन हाउस गैस में मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड की है, समझ में आया ना। तो इसको ग्रीन हाउस गैस में मतलब सिंपल समझो कि शॉर्ट वेव लेंथ वाले को आने देता है, लेकिन जैसे ही लॉन्ग वेव लेंथ वाला जाता है वैसे ही ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, उसको रोकती है और रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, समझ में ना। यही क्वेश्चन है, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो गलत हुआ था। इंक्रीज इन द सी वाटर टेम्परेचर, नहीं,
देखो ये भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट देखो ग्रीन हाउस गैस गैस इफेक्ट से सी वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द रिवर, ये सब हो सकता है, ध्यान देना ये सब हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है जब ग्लोबल टेम्परेचर ही इंक्रीज हो जाएगा तो सी वाटर टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे प्रोबेबल, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सुटेबल आंसर कौन आपको लगता है? ए, बी तो बिल्कुल गलत है, उल्टा है, लेकिन सी और डी भी हो सकता है, लेकिन पहले ये तो हो जाए, समझ में आया ना। चलिए, हुइच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 इन 2015। तो हमने डेटा थोड़ा और नया लिया है, ये 2018 का डेटा है, ये बताता है कि सबसे ज्यादा CO2 का एमिटर कौन है। ये है चाइना, चाइना के बाद है यूएसए, थर्ड है इंडिया, क्लियर। लेकिन अगर पर कैपिटा में उन बोला जाए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा में बोला जाए तो इंडिया बहुत ही पीछे है, ठीक है ना। चलिए, तो ये है, पहले नंबर पे है चाइना, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड नंबर पे है यूएसए, थर्ड नंबर पे इंडिया, बहुत याद रख लिया, इसे ज्यादा नहीं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुइच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। अब क्वेश्चन उठता है, टेम्परेट और अल्पाइन दो जोन साइमल्टेनियसली हमें देखना है। देखो अल्पाइन का मतलब था कोई हाईएस्ट हाइट पे वाला, हाइट यानी कोई पहाड़ वगैरह जगह पे। टेम्परेट जोन का मतलब क्या होता है? सिंपल है, हमें ये पता है कि भाई ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक कैंसर, और इंडिया से होके कौन सा गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ये तो हमें पता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले जोन को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा नेशनल पार्क होगा जो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले लाइन से नीचे होगा, वो तो आंसर में होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, समझ में आना, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसमें जितने ऑप्शन आपको मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये जोन है, देखो आप यहाँ पे देखते हो टेम्परेट जोन वाला, टेम्परेट जोन वाला कौन है? या तो ये वाला जोन है या तो ये वाला जोन है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से गुजरता है, एक सेकेंड, यहाँ से गुजरता है, इसके आसपास है, यहाँ से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इधर तक ट्रॉपिकल जोन है, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रॉपिकल जोन है। इससे ऊपर भी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, लेकिन जो अल्पाइन जोन आपको यहाँ पे मिल सकता है, अल्पाइन जो हाइट पे यहाँ 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 इवन थोड़ा यहाँ पे भी मिलता है इस जगह पे, उत्तराखंड वाले जो हाइट पे है, उत्तराखंड वाले जो हाइट पे है, क्लियर, इन जगहों मिल सकता है। लेकिन क्योंकि आपको देखना यहाँ पे टेम्परेट है ना, यहाँ 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 टेम्परेट है, और ये हाइट पे अगर टेम्परेट है ग्रासलैंड, लेकिन अगर वो व्हाइट पे हो जाएगा तो अल्पाइन वाला मिल जाएगा। तो अब देखते हो, सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखेगा मनास नेशनल पार्क, भाई ज्यादा हाइट पे नहीं है, क्लियर, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये है मनास नेशनल पार्क, यहाँ पे है, ज्यादा हाइट पे नहीं है, ये प्लेन पे है, सिंपल है ना, ये मतलब नीचे पहाड़ खत्म हो जाता ना उसके नीचे है, सिंपल। आपको यहाँ पे दिखेगा नेवरा वैली भी उतना हाइट पे नहीं है, तो ये सारे टेम्परेट में जोड़ सकते हो, नेवरा वैली को, मनास को, ये देख सकते हो। एक और ऑप्शन कौन सा है? नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क ये यहाँ पे है, क्लियर, ये ट्रॉपिकल डेसीड्यूअस फॉरेस्ट में आते हैं, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर आ जाते हैं, ये टेम्परेट पे आ जाते हैं, लेकिन हाइट पे भी है तो ये अल्पाइन पे भी आ जाते हैं। और ये मतलब ये बताने में जितना आसान रहता है उतना ही टफ था इसको एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना, क्लियर। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत माइन्यूट देख रहे हो, आप ऐसा नहीं कि ऑप्शन बहुत पास पास नहीं दिया है, ये भी आंसर तब तक जब तक यूपीएससी नहीं दिया तब तक लोग अलग अलग कह रहे थे, तो ये आंसर है, यूपीएससी ने माना है, इसलिए इसको आप मान लीजिए, ठीक है ना। मतलब ये जितना बताने में आसान लगता है उतना ही टफ था एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस प्रोड्यूस नो एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस, कौन प्रोड्यूसेस, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये
कभी कभी हमें लगेगा यार नो लिखा है या नाइट्रिक ऑक्साइड लिखा है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड बनने पे कोई स्टेटमेंट नहीं मिले हो जाते बोले ने नाइट्रिक ऑक्साइड ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन तो है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक है ना। आप लोग बताना कि आप लोग इसका मतलब क्या समझते हो, इस क्वेश्चन का मतलब अगर इसको नो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बता है तो इस सोलर एनर्जी से पॉल्यूशन नहीं निकलता है क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स है ठीक है ना। लेकिन अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड तो इवन पेट्रोलियम वाले से भी रिलीज होगा, कोल वाले से भी रिलीज होगा ठीक है। आप लोग बताना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मानते हैं चलिए ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, एशियाटिक लायन इन नेचुरली फाइंड इन इंडिया ओनली। ये बात करेक्ट है क्योंकि ये कहाँ पे मिलता है, आपको गिर फॉरेस्ट में मिलेगा गुजरात में, मतलब उसके आसपास वाले एरिया में ही मिलेगा, लेकिन इंडिया में ही मिलता है ठीक है ना। एक और चीज देखो, आप इसको डायरेक्टली आप बता सकते थे, एक क्या डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड। भाई जो कैमल जिसके ऊपर दो ऐसे ऐसे हो, ये तो इंडिया में हम उतना ज्यादा मेजोरिटी देखते ही नहीं, इंडिया में मिलता है लेकिन हम उतना नहीं देखते, इसका मतलब हमें पता है कि इंडिया में सिर्फ तो नहीं मिलेगा क्योंकि हम नहीं देखते यार। आपको आप देखते हो मुझे बताओ, आप नहीं देखते हो तो दो तो आप वैसे ही ऑप्शन गलत है, मैं तो नहीं देखता हूँ ऐसे। और वन हॉर्न राइनो सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे भी राइनो है, टोटल 6 टाइप के राइनो है, उसमें से कुछ और भी राइनो है जिसके एक हॉर्न है, तो ये भी सिर्फ नेचुरली इंडिया में नहीं मिलता है। और वन हॉर्न राइनो भी सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता, ये हमें पता है, पता है मेजॉरिटी इंडिया में मिलता है, आसाम में काजीरंगा वगैरह सब में, लेकिन मेजॉरिटी इंडिया में मिलता है लेकिन सब इंडिया थोड़ी मिलता है। तो 3 भी गलत है, लेकिन करेक्ट कौन है, ए यानी एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में मिलता है। तो मैं आपको थोड़ा मैप दिखा देता हूँ, ये गिर फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको एशियाटिक लायन मिले गुजरात में ठीक है ना। थोड़ा और ये गिर नेपाल, एशियाटिक लायन का आप देख सकते हैं इंडेंजर कैटेगरी में आता है, गिर फॉरेस्ट के आसपास मिलता है। और ये इसका आप देख सकते हो, ये साइंटिफिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका ठीक है। तो और एक और चीज, देखो इंडिया में सिर्फ ग्रेट वन हॉर्न राइनो मिलता है जिसको इंडियन राइनो ये बोलते हैं, ये इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पेसीज, और इसका आईयूसीएन स्टेटस वनरेबल है, मतलब वनरेबल है मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में है और शेड्यूल वन में आता है क्लियर। इंडिया के अलावे और राइनो नेशन कौन है, इंडिया भूटान नेपाल इंडोनेशिया मलेशिया, कोई दिक्कत नहीं तब तो हमें पता चलेगा, नहीं सिर्फ इंडिया में तो नहीं मिलता है क्लियर। और डबल हम कैमल की बात करें, ऐसा तो हम इंडिया में देखते ही नहीं, बहुत रेयर देखते होइएगा ठीक है ना। इंडिया मिलता है लेकिन इंडिया के अलावे जो हाईलैंड्स कंट्री, हाईलैंड्स पे मिलता है, जो ऊंचे जगह पे है जैसे सेंट्रल एशिया फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू मंगोलिया, इन सब जो वो पे मिलता है, टोटल पॉपुलेशन इसका बहुत है ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसका वन करेक्ट है, इसका एक बारी देख लेना आप लोग बताना, फिर इसको डिस्कस करते हैं। वेन वॉज प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ इंडिया में, ये है 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में तो आपको पता ही हो, कुछ स्टेट भी पैसा देता है, कुछ सेंटर भी पैसा देता है, मिनिस्ट्री तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 1973 में आया ताकि सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके टाइगर स्टेट को, जितने भी टाइगर स्टेट है उनको सिर्फ, और क्यों टाइगर कंजर्वेशन। इस प्रोजेक्ट को एडमिनिस्टर कौन करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ध्यान देना है NTCA के स्टैचुटरी बॉडी है याद रखना। इसको एस्टाब्लिश कब किया गया था, 2005 में, और किसके रिकमेंडेशन पे, टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे ठीक है ना। और ठीक है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रोविजन के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको 2006 में अमेंड किया गया था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, 7th नंबर क्वेश्चन करते हैं, Which of the following is an example of anthropogenic biome? देखो बायोम तो हमें पता है कि एक लार्ज एरिया होता है क्लियर, और
उसमें एक स्पेशल बायोडाइवर्सिटी होती है, जैसे हम फ्रेश वाटर बायोम बोलते हैं, ग्रासलैंड। लेकिन एंथोपोजेनिक का मतलब होता है मैनमेड, थोड़ा बोल सकते हो मैनमेड, और जिसको आर्टिफिशियल भी इम्पोर्टेंट बोल सकते हो। तो भाई रेन फॉरेस्ट हमारी हिम्मत है बनाने की, फ्रेश वाटर नहीं, ग्रास लैंड नहीं, क्रॉप लैंड। ये हम अपना लैंड तो कर ही सकते भाई, ये क्रॉप लैंड है एंथोपोजेनिक। क्लियर? हुइच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन लिव, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मत सोचना कि यार ये कहाँ से आ गए भाई, ये रिपीट होंगे बहुत ज्यादा। हुइच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन लिव फॉर ए लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर? आपको लगे ओहो हो हमें तो पता है, कैमल। नहीं भाई, इवन कैमल से ज़्यादा भी कंगारू रैट है। अगर आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बुक पढ़ते हो, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हो उन वो बायोलॉजी, या जो पीसीएस की तैयारी करते हो बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये आपको इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली दिया हुआ है। क्लियर? तो अगर आपको बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर पढ़ना है तो भी आप बोल सकते हो, ठीक है, कंगारू रेट है। इंडिया का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये किस शहर में लोकेट किया गया है, ये आपको बताना है तो गुजरात में, ये तो हमें पता है तो गुजरात में, लेकिन ये है जामनगर में। मैं आपको दिखाता हूँ उनके बारे में। एक चीज़ और, एक 16 पहले चल लेते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइगर से आया है, तो पहले उसको कर लेते, फिर प्रोजेक्ट मैंने इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लिखा था। नेशनल सेंटर फॉर मराइन बायोडाइवर्सिटी ये गुजरात में, गुजरात में कहाँ, जामनगर में, ठीक है ना। इसका ये एक मराइन नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ कच्छ के पास, ठीक है। मतलब इसका मेन काम होगा क्या, सिंपल समझो ना, मराइन की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, और कोस्टल एरिया में देखो, द सेंटर विल हैव द गोल ऑफ सेफ गार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोस्टल एरिया, ये इम्पॉर्टेंट है। और पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत क्या किया गया, सेटअप किया गया है, ठीक है ना। जामनगर जो बहुत करीब है, इंडिया का एकमात्र मराइन नेशनल पार्क, जो जामनगर जो जगह है ना, हमारा एकमात्र मराइन नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ कच्छ के पास में है, ठीक है ना। ओवरऑल इंडिया का मिशन क्या है, ओवरऑल मिशन सेंटर का है कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करे कोस्टल और मराइन बायोडाइवर्सिटी का, ये याद रखना है, ठीक है ना। बहुत सारी यहाँ पे मिलती है जो इंडेंजर है, क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो अब थोड़ा हम, क्योंकि ये हो गया जामनगर हो गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर के बाद थोड़ा अभी देखो, टोटल हमें पता है कितना टाइगर रिजर्व है, 51 टाइगर रिजर्व है। सबसे ज़्यादा टाइगर सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में मिलता है, फिर कर्नाटका में मिलता है, आगे आप बताना। टोटल देखो आपको लेगा 50 है, लेकिन अभी 51 टाइगर, 51st टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है मेघ मलाई को, ठीक है ना। ये केरला में है, केरला तमिलनाडु बॉर्डर के पास है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व का कंटिन्यूएशन है, समझ में आना, मेघा मलाई वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। देखो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था उसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो एक 51वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। और ये सब टाइगर रिजर्व है, देख लेना आप, थोड़ा बहुत मैं वीडियो बनाया हूँ इस पे टाइगर रिजर्व पे। दचिगम नेशनल पार्क, दचिका मतलब 10 गांव को मिला के एक नेशनल पार्क, मतलब फेमस है। ये किसके लिए फेमस है, ये आपको पता है कहाँ पे, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। दचिका नेशनल पार्क भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। मेन इसका एनिमल स्पेसीज देखोगे ना तो आप क्या आएगा, हंगूल आएगा, क्लियर। हंगूल को कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, ठीक है ना, कश्मीरी स्टैग। फ्लोरा के मामले में तो यानी बहुत सारे जो प्लांट स्पीसीज तो बहुत सारे हैं। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है, ये है 22 मई को। इसके अलावा कुछ और दिन हम देख लेते हैं, वर्ल्ड वाटर डे है 22 मार्च, अर्थ डे है 22 अप्रैल, 22 मई है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, अभी कुछ समय 28 मार्च को मनाया गया था अर्थात। उसके बाद इन्वायरमेंट डे भी आ जाता है 5 जून, ठीक है ना। तो ये 22 वाले को मैंने एक साथ रख दिया, ठीक है। चलिए एक अगस्था माला बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इससे पहले हम थोड़ा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अगस्था माला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए
बायोस्फेयर रिजर्व टोटल 18 है, लेकिन 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 हमारे पास टोटल 18 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने 18 को डिक्लेयर किया है, लेकिन इसमें से 12 को, प्लीज आप 11 मत बोलना क्योंकि अब 12 हो चुका है, 12 को यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत 18 में से, 18 में से 12 को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से देख लो, ये है टोटल, लेकिन ये 12 है नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो एक चीज़ याद रखें, सबसे नया वाला कौन है? पन्ना। क्लियर, ये याद रखें। सबसे पुराना कौन है? नीलगिरी, याद रखना है। सबसे पुराना कौन है? नीलगिरी। सबसे नया कौन है? पन्नार। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये है पन्ना है सबसे नया वाला, और नीलगिरी है सबसे पुराना वाला, याद रखना। जो यहाँ एमपी में तीन है, पंचमढ़ी, पन्ना, आप बोलोगे ये अमरकंटक वाला तो बॉर्डर पे, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझिए तीन है ना, इन तीनों को यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना, मतलब ये आपको पढ़ना पड़ता है, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। यूनेस्को के वेबसाइट पे जाओगे ना, बायोस्फीयर रिजर्व वाले सेक्शन पे, तो आपको हर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत लार्ज एरिया होता है, उसके अंदर बहुत सारा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। तो आपसे ये पूछा हुआ था कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपको यहाँ दिखता है, इसमें कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। ये आप मैप के मदद से ही कर सकते हो, मतलब आपका, मतलब मैप वगैरह पे कमांड होगा तभी आप कर सकते हो। जैसे आप इन सबको थोड़ा सा बाहर कर सकते हो कि यार साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो ये काफी ऊपर होगा, क्योंकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क नीलगिरी वगैरह के पास है। तो ये ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना होगा, बाहर करना होगा, ऐसे ऐसे करके बाहर करना होगा। पापी कोंडा भी इसमें नहीं होगा, इसीलिए ऐसे बाहर करना होगा। पापी कोंडा थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो इसमें आता कौन कौन है देख लीजिए, अगर इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहो तो इसमें आ जाता है सिंदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्लीज ये करना होता है, मतलब आपको बायोस्फीयर रिजर्व डिटेल में करना होता है। अगर आप यूपीएससी करें तो इसके अलावे तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब तब नहीं करना, तब आप बस 18 का लोकेशन याद है काफी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम, नियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काकानद, मुदंता थुराई टाइगर रिजर्व, ये सब इसके पार्ट है, ठीक है। अब देख लो ना, ये बॉर्डर पे है, किसके, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है, तो ये करेक्ट है। चलिए, अकॉर्डिंग टू डेटा अवेलेबल ऑफ एज ऑफ 2019, हाउ मेनी नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क है ये आपको बताना है। टोटल 104 है, ये तो हमें पता ही है। द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, ऑब्वियसली हम सबको पता है कहाँ पे होगा, क्योंकि ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को लेयर में बांटा गया है, सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, एक्जोस्फेयर जो भी बोलते हैं, सिंपल एक्जो थर्मो कुछ भी बोलते हैं, आपको यही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर पे एक लेयर है पूरा ओजोन की, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछा गया है स्ट्रेटोस्फेयर। देखो आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये सब हम कितनी बार कर चुके हैं। तो थोड़ा हम देखते हैं ओजोन के बारे में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ओजोन अच्छा भी है और ओजोन बुरा भी है। ओजोन को हम गुड ओजोन भी बोलते हैं, ओजोन को हम बैड ओजोन भी बोलते हैं। भाई जो स्ट्रेटोस्फेयर पे हो तो अच्छा ही है, क्यों भाई क्यों अच्छा है? वेट, वो जब यूवी रेज आती रहती है तो यूवी रेज को रोक के रिफ्लेक्ट करके बाहर भेज देता है, हमारे अर्थ पे आने नहीं देता है। इसको पता है कि अर्थ पे आएगा तो लोगों को स्किन कैंसर कर सकता है, ठीक है ना। तो गुड ओजोन भी है, लेकिन अब बैड ओजोन का है। बैड ओजोन है जो ओजोन नीचे हमारे ट्रोपोस्फेयर पे आ गया, भाई खतरनाक है। ट्रोपोस्फेयर पे जो आ गया ओजोन, वो तो हमें बिल्कुल बर्बाद करेगा। कैसे? ओजोन बहुत सारे सबके साथ मिलके, ओजोन बनता कैसे वो तो देख लेना है, यहाँ से बनता है हीट, सनलाइट, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड NOx, ये सब मिलके, ये सब इस सब से रिलीज होता है, फिर मिलके ओजोन बन जाता है। फिर ये हमारे प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है,
ठीक है ना। अगर कोई और क्वेश्चन आएगा ना तो जो उनके बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगा, अभी इतना काफी है। चलिए, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेड क्वार्टर कहाँ है? देखो अगर हमें पता नहीं होगा ना तो आप गलत ही करोगे, क्योंकि आप गेस भी करोगे ना तो पता है क्या करोगे, न्यूयॉर्क करोगे या वाशिंगटन डीसी करोगे। लेकिन इसका है हेडक्वार्टर नैरोबी में, ठीक है, केनिया में है, अफ्रीका की, अफ्रीका में एक देश है केनिया, उसकी कैपिटल है नैरोबी, ठीक है। अगर आप लोग मतलब अगर क्रिकेट को फॉलो करते तो आपको ये पता होगा कि केनिया भी एक कंट्री था जो पहले क्रिकेट वगैरह खेलता था, तो उसकी उसकी कैपिटल आपको याद होगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक लीडिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है जिसको 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। ग्लोबल एजेंडा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करो, ठीक है ना। इसकी कुछ रिपोर्ट आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एमिशन गैप रिपोर्ट आती है, याद रखना है प्लीज। सिंपल आपसे पूछा गया एमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, ये सब करेंट अफेयर से पूछेगा ही पूछेगा। एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, ये सब इसका रिपोर्ट है। मेजर कैंपेन क्या क्या है, वीट पॉल्यूशन, यूएन 75, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ, हेडक्वार्टर है नैरोबी के। एक और रिपोर्ट अभी आया था एमिशन गैप रिपोर्ट, ये वही वाला है, मतलब 2020 का रिपोर्ट था, ठीक है ना। ये बता रहा था कि यार हम लोग कुछ ज़्यादा ही रिलीज कर रहे हैं, और जो पेरिस एग्रीमेंट हमने किया था COP21 में, उससे भी ज़्यादा निकलने के कगार पे। COP21 जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग हुई थी 21st, वो कहाँ पे हुआ था, पेरिस में होते, याद रखना है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ध्यान देना, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। ये ऐसे जो नेशनल सेंटर वाले होंगे ना, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा गेस करके न्यू दिल्ली लगा सकते हो, यहाँ पे है। उसका मोटो क्या है इस ऑफिस का, रेजिलियंट इंडिया, डिजास्टर फ्री इंडिया, आपात प्रतिरोधी भारत, आपदा मुक्त भारत, सॉरी आपदा प्रतिरोधी भारत है। और इसका हेडक्वार्टर आप देखते हो तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के विंग में ही है, यानी न्यू दिल्ली है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमें लगेगा कि यार एनवायरमेंट या साइंस एंड टेक या कुछ भी हमें लगेगा, लेकिन ये है होम अफेयर्स मिनिस्टर के अंदर आता है। इसके प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कर सकते हो याद, मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल, पता है क्यों, क्योंकि ये काफी न्यूज में बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट वाली, इसीलिए आ सकता है, मतलब आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, देखो सम स्पेसिस ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवर्स, होगा ही होगा। देखो इतने टर्टल्स को हम जानते हैं भाई, बहुत हजारों टर्टल्स को हम जानते ही नहीं होंगे, उसमें से हो सकता है कोई हर्बीवोरस हो, क्या पता। तो ये कोई आपको एकदम 100% थोड़ी पता कि नहीं नहीं है भाई, ठीक है ना। जैसे आपको पता है इंसान वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, हर्ब भी खाते हैं, तो आप क्लियर कट कोई एक जनरल स्टेटमेंट थोड़ी दे सकते हैं इंसान के पास। सेम ही टर्टल्स हो सकता है हर्बी, फिश भी हर्बीवोरस हो सकता है, कुछ कुछ स्पेसिस मरीन मैमल के भी हर्बीवोरस हो सकते हैं, कुछ स्नेक भी वीवीपैरस हो सकते हैं। तो ये सब जनरल स्टेटमेंट है, ये चारों करेक्ट होंगे, मतलब हमें कोई क्लियर कट आइडिया थोड़ी है कि नहीं होंगे, नहीं भाई कोई भी टर्टल्स हर्बीवोरस, आपको कहीं लिखा है ऐसा, नहीं लिखा है, क्योंकि आप हजारों टर्टल्स के बारे में भी हमें पता ही नहीं होगा, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको एस्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये कब एस्टैब्लिश किया गया था ये आपको बताना है, किस साल में एस्टैब्लिश किया गया था, 2010 में। देखो एनजीटी एक एक्ट के मदद से बना था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ये पार्लियामेंट का एक एक्ट है से बना था, ठीक है ना। तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट के एक एक्ट से बना था, क्यों, ताकि देखो सिंपल है, हर एनवायरनमेंट से रिलेटेड केस आप सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाते हो, हाई कोर्ट के पास ले जाते हो, तो एक तो वहाँ केस का बर्डन है बहुत ज़्यादा, और उतनी एक्सपर्टीज एनवायरनमेंट से रिलेटेड फील्ड में उनकी नहीं होगी,
जितनी एक अलग से बॉडी बनाओ जिसमें सारे मेंबर एनवायरमेंटलिस्ट ही हो, मतलब एनवायरमेंटलिस्ट भी हो, तो उसको केस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यों क्यों हम ऐसा एक बॉडी बना रहे हैं, क्यों इन्वायरमेंट पे हमारा फोकस है भाई। हमने संविधान के आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका मतलब राइट टू ए हेल्दी इन्वायरमेंट भी एक एक फंडामेंटल राइट है। तो भाई हेल्दी इन्वायरमेंट तो हमें रखना होगा ना। तो इन्वायरमेंट से अगर कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है तो जल्दी से चाहेगा, उसकी उसकी उसका क्या मन होगा कि मैं जल्दी से जाऊं, केस जल्दी से खत्म हो, तो सारा सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम में ही अटका रहता है, उसको पता है यार ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है, फिर भी उस पर वो चाह के भी केस कर रहा है, बहुत लटका हुआ है केस, तो सही थोड़ी होगा। इन्वायरमेंट का, हेल्दी इन्वायरमेंट का राइट उससे छीना जा रहा है, इसका मतलब तो, ठीक है ना। तो इसलिए एक इन्वायरमेंट इशू को, इन्वायरमेंट रिलेटेड केस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू, देखो इसमें भी मैं सीधा सीधा आपको बोलूंगा कि एलिमिनेशन करना है, हमें नहीं पता, हमें नहीं इतना याद है, ठीक है ना। सिंपल समझो, एक रिवर है इरावडी डॉल्फिन, मतलब एक इरावडी रिवर है, हमें पता है कहाँ है इरावडी रिवर, है यहाँ पे, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे रिवर म्यांमार और चाइना से रिलीज होती है, यहाँ हर जगह आती है भाई। इसमें हम ढूंढ रहे हैं, ये एक नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि यार इरावडी रिवर की डॉल्फिन चंबल में क्या करने आएगी इतनी दूर, खुद सोचो ना, मतलब इसको कोई और जगह नहीं मिला चंबल में। अगर मान लो थोड़ा देर के लिए हमें ब्रह्मपुत्र लिखा होता तो मान भी लेते हैं, हमें नहीं पता फिर भी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, दो को जैसे इनकरेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही सॉल्व करना था क्योंकि इतना याद नहीं रखता। अब महसीर मछली है वो कावेरी रिवर में मिलता है नेचुरली, क्लियर। रस्टी स्पॉटेड कैट है ईस्टर्न घाट में, देखो नेचुरली की बात करें यार, और खतरनाक ऑप्शन दे दिया है। इसका मतलब है इरावडी डॉल्फिन नॉर्थ, भाई हमने जबरदस्ती इरावडी डॉल्फिन को ला के चंबल में रख सकते हैं, लेकिन नेचुरली मिल जाए चंबल में, ये मतलब ये तो कोई ब्लंडर है बिल्कुल, ठीक है ना। तो दो इनकरेक्ट है, तो ए और सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, ये रिवर है यहाँ पे चंबल, चंबल रिवर है, चंबल रिवर पे ही राणा प्रताप सागर डैम है और गांधी सागर डैम है, कोटा बैरेज है, ये सब चंबल रिवर पे ही, प्लीज याद रखना है। चंबल रिवर यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है और यमुना रिवर फिर से गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल इनडायरेक्टली गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, पहले वो यमुना रिवर से मिलती है फिर गंगा, यमुना गंगा से मिलता है। बेतवा रिवर भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन सोन रिवर है डायरेक्ट गंगा की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द देयर इज ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोविड्स। माइक्रोविड्स का मतलब तो जो विड्स का मतलब जो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े नहीं होते, छोटे छोटे किसी चीज के टुकड़े, माइक्रोविड्स में कोई भी, जैसे आप पेस्ट वगैरह से ब्रश करते हो तो पेस्ट वगैरह में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में बह के चले जाते हैं, या आप क्रीम वगैरह को, जैसे आपने आपने चेहरे पे क्रीम लगाया बाद में आप धोते हो तो थोड़ा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल रिलीज होते हैं ना, वो जाके फिर वाटर बॉडी में मिल जाते हैं, वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप बताइए, अब क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते हैं, आप मतलब तो समझ गए ना बेसिक, अब मतलब समझते हैं। दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, ऑप्शन पढ़ो पहले, नहीं पता कोई से। दे आर कंसिडर्ड टू बी कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रेन, दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाई क्रॉप प्लांट इन इरीगेटेड फील्ड, दे आर ऑफ्टन फाउंड इन यूज ऑफ द फूड एडल्ट्रेंट। भाई सब करेक्ट है, लेकिन आपको ग्रेट कंसर्न, ग्रेट सबसे ग्रेट कंसर्न क्या लगता है कि भाई ये सब के सब कहाँ पे जाते हैं, पानी में जा रहे हैं, सब के सब मिलके ये रिवर होके सब पानी में जा रहे हैं, तो मराइन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सिर्फ आप, मैं पेस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन आप कुछ भी यूज करते हो, कुछ भी,
जैसे प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक का भी छोटे छोटे टुकड़े होके ये सब माइक्रोवेव्स के कैटेगरी में आ जाता है। तो सब के सब नुकसान किसको करे, मराइन इको सिस्टम करे। ये सभी कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर कंसर्न क्या है, ग्रेट कंसर्न ये है। ये सब भी हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली फूड एडल्टरेंट में यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस रिवर को डिजास्टर बोला गया, बायोलॉजिकल डिजास्टर, कि भाई यहाँ पे तो बायोलॉजी नहीं रह सकती, कोई भी जानवर नहीं रह सकता, इतना ज्यादा पॉल्यूटन है। तो ये रिवर कौन सा, यमुना रिवर है। यमुना रिवर, यमुना रिवर के किनारे दो शहर बसता है, न्यू दिल्ली और आगरा। गंगा रिवर के किनारे जो शहर बसता है उसके एग्जाम्पल है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। और यहाँ पे हुगली रिवर के किनारे है कोलकाता, क्लियर। और एक जो गोमती है उसके रिवर के किनारे है लखनऊ, लखनऊ, ठीक है ना। इवन इवन पटना भी गंगा रिवर के किनारे है, इसी के आसपास, ठीक है ना, मतलब आए सॉरी आगे है इसके आसपास, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के एमस्टरडम में, ठीक है, नीदरलैंड में है ये ग्रीन पीस। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का आपने सुना होगा, ये एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ है जो ग्रीन पे काम करते है। जैसे एक एनजीओ है जो एनवायरमेंट रिलेटेड काम करती है, बहुत सारे देश है। इसको फाउंड किया गया था 1971 में, और उसके बाद एक किस किस बात पे काम करती है कि इंश्योर द एबिलिटी ऑफ आर टू नर्चर लाइफ इन दिट्स डाइवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि आप डाइवर्सिटी को ख़त्म करके चाहते हो कुछ करना, नहीं, ये चाहते हैं कि डाइवर्सिटी रहे, क्लियर। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन है। देखो कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट सोर्स से आपको नुकसान करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जो डायरेक्ट सोर्स से आपको नुकसान करेंगे। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा, जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब तो डायरेक्ट आपसे रिलीज हो जाता है सोर्स से। लेकिन ये स्मोक क्या होता है, आपको कार बनाना पड़ता है। सिंपल देखो, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स तो ये सब होंगे जो ये आपको डायरेक्ट बन जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली इमिट नहीं होते हैं, ये बनते हैं। सिंपल है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिएक्ट वगैरह करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं, इसमें स्मोग भी आते हैं, ठीक है ना। देखो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम स्पेसिफिक डाइवर्सिटी आपको ज्यादा मिलता है, कौन भाई। देखो इससे आसान क्वेश्चन कुछ होगा, आप कुछ देखो, डीप सी में कहाँ की डाइवर्सिटी मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। डेजर्ट में बिल्कुल नहीं मिलती, कोरल रीफ और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेकिन इवन रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा होती है, देखो कोरल रीफ में भी होती है बहुत ज्यादा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज COP21 कहाँ हुआ था, पेरिस में, अभी तो मैंने बताया था पेरिस में हुआ था, क्लियर, जिसके बाद पेरिस अग्रीमेंट हमने साइन किया था। चलिए इतना हो गया, 25 के बाद हम फिर आगे डिस्कस करेंगे, और आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और आपको देखना PDF, आपको इसके अलावे जो कोर्स यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे उस वीडियो में कोई एड वैड नहीं होता है, और उसके अलावे आप कोई डाउट पूछ सकते हो, डाउट के लिए फ्री है। और उसके अलावे आपको PDF वगैरह तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला PDF मिलेगा जो मैंने अभी डाला है, जो जो क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ये मिलेगा। आप लोग इस नंबर पे कॉल करके मैसेज कर सकते, सॉरी मैसेज कर लेना। इसके अलावा स्टैटिक कोर्स, GK का कोर्स कर सकते हो, इसमें हम देखो लूसेंट तो करा ही चुके हैं, क्राउन और NCERT के समरी जो एक बुक आती है महेश वर्णवाल सर की, इन दोनों पे फोकस है। तो इसमें हम क्या करा चुके हैं, एंशियंट हिस्ट्री करा चुके हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी अभी साइमल्टेनियसली चल रहा है, एंशियंट हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलमोस्ट एंड है, एंशियंट हिस्ट्री तो एंड है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, और केमिस्ट्री बायोलॉजी भी साथ चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर मैसेज करके। चलिए, थैंक यू सो मच।